अंबाला से हैं शिमला देवी जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ हाँ जी, जी, मैंने हकीम साहब से बात करनी थी। जी इन्होंने मैं नुक्शा बताया था, जी सौंफ, सौंठ और जीरा, अजवाइन और आंवला और कलौंजी का नमक गैस के लिए, क्या यही कुछ ही बनाना है? 100-100 ग्राम। हाँ, इनको 150-150 ग्राम लीजिए और इनका पाउडर बना लीजिए, और 150 ग्राम जैतून का नमक असली लें, इसमें मिलाकर आप 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाया करें। खाने से पहले भी खा सकते हैं, छोटा चाय का चम्मच जिसे टीस्पून कहते हैं, और रात को सोते वक्त भी खा सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, एमपी से हैं राकेश जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैडम। मैडम, जी नमस्कार। मैं ये जानना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब से, मेरे कानों में 10-15 दिन से सूसू की आवाज आ रही है। ऐसे आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 42, 42 वर्ष। ठीक, तो देखिए, अच्छा किया आपने फोन कर लिया, नहीं तो बहुत परेशानी होती आपको। देखिए, ये रोग आपका जा सकता है अगर आप मेरी बात गौर से सुने। देखिए, ऐसे बैठना है आपको, और ये एक्सरसाइज करनी है आपको 3 मिनट, और ऐसे पूरी तरह मोड़ें इसे। देखिए, यहाँ तक आ जाती है ये ठोड़ी हमारी, तो ये भी 3 मिनट करें, और ये 6 मिनट करें, और अपने बेड पे ऐसे सीधे लेट जाएं, बिल्कुल ऐसे सीधे, और ये गर्दन लटका लें नीचे, ऐसे नीचे, और ये शरीर आपका ऐसे ऊपर रहे, और ये गर्दन नीचे को लटका लें, बेड से नीचे को। ऐसा आप 5-5 मिनट करके 5 बार लेटें। अगर ये आप 10 दिन लगातार करते हैं, तो आपका ये रोग बगैर दवा के ठीक होना मुमकिन है। तो बिना दवाई के आपका ये रोग ठीक हो जाएगा, लेकिन ये एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अगले कॉलर हैं, स्वागत है आपका। हेलो, हेलो, अरे क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अनीस यूपी से बोल रहा हूँ। जी अनीस जी, जी बोलिए। जी अरे मैं हार्ट और शुगर का पेशेंट हूँ, हाँ तो हकीम जी ने जो है छिलका जैतून का बताया, तो 1 महीने से ले रहा हूँ, हाँ लेकिन सीने में कभी कभार दर्द जो है साइटों में होने लगता है, तो इमरजेंसी के लिए कोई ऐसी दवा बता दें जो जरूरत पड़ने पर हम इस्तेमाल कर लें। ठीक, जी, तो देखिए, इमरजेंसी में तो एलोपैथी काम करता है, आप वो दवाएं अपने पास रखें, और इमरजेंसी हो तो आप उसे ले सकते हैं, डॉक्टर की सारी दवाएं ले सकते हैं आप। ये लगातार लीजिए, अभी 2 ही महीने हुए हैं या 3 महीने हुए हैं, तो अब कभी कभी होता है, तो आप एक तो संयम रखें बहुत, और इमरजेंसी दवाएं साथ ज़रूर रखा करें, सबको रखनी चाहिए, और ये नुस्खा लगातार आप 6-7 महीना इस्तेमाल करें, तब आपको राहत मुमकिन है। यूपी से हैं रामकृष्ण जी, स्वागत है आपका। हेलो। जी हाँ नमस्कार। जी नमस्कार। हेलो। हाँ, पैर के नीचे दर्द रहता है। हाँ, तलुओं में। तलुओं में। आपकी उम्र क्या है? 29 साल। जी देखिए, दर्द चाहे तलवों में हो, चाहे पैरों में हो, चाहे घुटनों में हो, पिंडलियों में हो, थाइज में हो, कमर में हो, मोंडों में हो, हाथों में हो, ये दर्द अगर मुद्दतें हो गई हैं और नहीं जाता है, तो यूनानी में एक रॉ मटेरियल है जिसे गौंद स्याह कहते हैं, काला गौंद भी कहते हैं आसान जबान में, आसान भाषा में काला गौंद भी कहते हैं, ये
खूब कड़वा होता है, इंतहाई कड़वा होता है, और आजकल नकली भी बहुत मिल रहा है, तो आप असली ले लें। देखिए ये 15-16 रुपए रोज़ का इलाज है कमोबेश, एक ग्राम आ जाता है इतने में, ये एक दिन की आपकी खुराक है। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद खाएं, आधा ग्राम रात को खाने के बाद, पानी से बगैर चर्बी के, दूध से, या जैसे भी आप खाना चाहें। और ये 5-7 दिन के बाद फ़ायदा शुरू करता है, थोड़ा सब्र करना। ये यूनानी रॉ मटेरियल है, कोई ऐसी दवा नहीं है, एलोपैथ नहीं है, इसलिए थोड़ा संयम वाले लोग इसे लें, जिनका किसी सूरत नहीं जाता है। और ज़्यादा परेशानी हो तो आप एलोपैथिक दवा भी ले सकते हैं, लेकिन असली ये गोंद जिसको भी मिल गया, नकली बहुत मिलता है, तो 100 ग्राम भी मिल गया तो आपको फायदा होना मुमकिन है। जी अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। जी हेलो। हाँ जी, क्या नाम है? नमस्ते मैम, मैं आपसे फोन पे बात कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम मेरे यहाँ की लाइट चली गई है। हाँ जी, फोन पे ही बात कीजिए, क्या नाम है? आतिफा। हाँ आतिफा जी, मैंने आपसे पहले भी बात की है ना। अभी हाँ? मुझे ना अपने हस्बैंड के बारे में जरा मालूम करना है। उनके ना पेट में ताकि चुप हो जाओ, उनके ना तकलीफ रहती है पेट में, कभी तो उनके सीने के नीचे जैसे कोड़ी, जिसे कोड़ी बोलते हैं ना, कोड़ी, आप समझ रहे हैं ना? जी जी मैं समझ रहा हूँ। तो उस जगह पे तकलीफ होती है। हाँ। और कभी उनके पेट में तकलीफ होती है, कभी हाथों में तकलीफ बताते हैं कभी, हाँ हाँ, और कभी इसके पसलियों के नीचे, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, लो पकड़ो, लो पकड़ो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहिए, बताइए। हाँ मैं ये कह रहा था कि मेरी जो है जैसे पसलियों के नीचे हाथों में दुखन सी होती है, जैसे कुछ खा लिया तो दुखन हो रही है ये। अच्छा मैंने बेल का मुरब्बा भी बताया, वो भी खाया, तो उससे खाने के बाद भी कभी फर्क लगा, कभी दुखन सी महसूस हुई। हाँ कितने दिन से, कितने दिन से खा रहे हैं? हाँ बेल का मुरब्बा तो मैंने कभी 8-10 दिन खाया। हाँ देखिए यूनानी दवा महीने 2 महीने खानी होती है, और अगर बहुत ही ज़्यादा परेशानी है तो आप अपना चेकअप करा लीजिए, एब्डोमन सोनोग्राफी, पूरे पेट की सोनोग्राफी, तो पता भी चल जाएगा क्या है, सूजन है क्या है, सूजन वगैरह लगती है, और लीवर का भी टेस्ट कराएं, और इसमें जल्दी करें, नहीं तो अभी तक आप ठीक भी हो गए होते। और ये एक आता है अरंडी का तेल, ये ले लें, और एक चम्मच सुबह पिए, एक चम्मच शाम पिए, और गर्म पानी पिए, इससे भी आपको फायदा मुमकिन है। जी राजस्थान से हैं योगेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी जी आदाब भाई। मैं सर ये पूछ रहा था, मेरे ही क्या, वैसे भारत में अधिकतर लोगों का पेट खराब रहता है, तो वह 15 पेट साफ नहीं जाते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएं। ये सर मेरे पर्सनल ये है कि विटामिन B12 की कमी है, उसका कोई इलाज है? ठीक जी, आप देखिए, एक तो अरंडी का तेल आता है सर, अरंडी का तेल, ये 2 चम्मच पिए, छोटे चाय के चम्मच पानी के साथ, अच्छा पानी गर्म हो, जब ये पिए तो खूब गर्म गर्म पानी पी लें, दिन में 1 बार या 2 बार बस काफ़ी हो सकता है। मेरे ख्याल से 1 हफ्ता लेंगे तो पेट का सिस्टम अच्छा होना चाहिए आपका। और विटामिन B12 के लिए आप नमक, जैतून, नमक जैतून ले लें असली, और 2 चुटकी पानी में मिलाकर रोज़ाना 1 बार या 2 बार, 1 बार से शुरू करें, 2 बार तक ले सकते हैं, लिया करें, तो उससे भी आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी दिल्ली से हैं मंजू जी, स्वागत है आपका।
नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरे को ना डिस्क प्रॉब्लम है। हाँ, मेरे को L4, L5, S1 तीन चार नसों में प्रॉब्लम है। आज से 8-10 साल पहले से दिक्कत है। आपकी उम्र क्या है? मेरी 53 ईयर्स उम्र है और मेरे को 8-10 साल से ये दिक्कत है। मेरा नीचे का हिस्सा जो है ना वो सुन्न पड़ गया है, जिससे मेरे को टॉयलेट का पता, प्रेशर का पता नहीं लगता। तो शायद आपने यूनानी दवा कभी नहीं ली होगी, नहीं तो यूनानी में इसका इलाज मौजूद है। तो देखिए, एक तो ये बात याद रखें कि आपका वज़न ज़्यादा हो तो वज़न कम करें। वज़न कम करने का तरीका है कि आप सुबह को एक प्याला दाल पिए बस, दोपहर में एक प्याला दाल पिए बस, और रात को जितना आपकी खुराक है उससे आधा भोजन करें और सो जाएं। पानी गर्म 5 बार पिए, ये अच्छा तरीका है। अगर वज़न ज़्यादा हो किसी का, तो आपको ही नहीं कह रहा, सबको कह रहा हूँ, ये अच्छा तरीका है वज़न कम करने का। मुझे भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं इससे कम कराता हूँ। अच्छा, आपके घर में ये वेस्टर्न टॉयलेट बहुत ज़रूरी है। वैसे तो होना चाहिए आपके घर में, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, ये कुर्सी वाला शौचालय वो आपके लिए होना ही चाहिए। अब यूनानी में एक रॉ मटेरियल आता है, इसे काला गौंद कहते हैं। आसान भाषा में हम लोग उसे गौंद स्याह कहते हैं। काला गौंद या गौंद स्याह आपको अगर असली मिल जाए, नकली मिलता है बहुत ज़्यादा। ये देखिए, 100 ग्राम भी अगर आपको मिल गया असली, तो आपके रोग को फ़ायदा मुमकिन है। लेकिन ये असली कड़वा होता है और काला होता है, और उस जैसे मिलते जुलते बहुत गौंद मिल रहे हैं मार्केट में। तो असली लेना आपकी जिम्मेदारी, और आधा आधा ग्राम खाना है, सुबह नाश्ते के बाद आधा ग्राम और रात को खाने के बाद। वज़न बिल्कुल ना उठाएं, और ये 15-16 रुपए रोज़ का इलाज है। अगर आपको मिल गया तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। हेलो, क्या नाम है? हमें नमस्कार जी। नमस्कार, आपका नाम क्या है? एंजल। एंजल कहाँ से बात कर रही हैं? हम लुधियाना पंजाब से बात कर रहे हैं। आपका सवाल क्या है? हमने आपके यहाँ से दवाई मंगाई थी, गौंसिया और जॉइंट हर्ब। हेलो। जी, वो जोड़ों के, गोड़ों के ग्रीस के लिए मंगाई थी। हाँ, तो उन्हें खाना कैसे है अभी? इतना था। ठीक जी। देखिए, गौंद स्याह को पाउडर बना लें और आधा ग्राम खाएं सुबह को नाश्ते के बाद, पानी से या बगैर चर्बी के दूध से। और जॉइंट के लिए जो दूसरी दवा है वो शाम को खाएं, एक कैप्सूल पानी से या बगैर चर्बी के दूध से, रात को खाने के बाद 2 बार खाया करें, एक दवा सुबह एक दवा शाम, तो आपके मरीज को फायदा होना मुमकिन है। जी, यूपी से है अमित, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी जी मैम, नमस्कार। नमस्कार मैम, हकीम जी से बात हो जाएगी? जी हो रही है, बताइए अमित जी। सर नमस्कार। आदाब सर। वो हमारे जो पैर के अंगूठा है, उसकी जो उंगली है वो मतलब हमेशा पक जा रही है 2-3 साल से। दवा करा रहे हैं, ठीक हो रहा है, फिर वह पक जा रहा है, उसमें से पस भी निकलता है। ठीक है। और फिर वो अंगूठा का मतलब कोनी जो है वो कटवा भी देते हैं, लेकिन फिर बाद में वही प्रॉब्लम हो जाती है। किनको है प्रॉब्लम? ये मुझे को है। तो क्या गैंगरिंग बताया है? क्या हुआ सर? क्या मर्ज बताया डॉक्टर ने? वो दवा कहते हैं इन्फेक्शन है खून में, तो फिर इन्फेक्शन का दवा भी खाते हैं तो फिर नहीं सही होता है। अच्छा, आपकी आयु कितनी है? मेरी आयु सर
16 ईयर है। अरे बहुत कम उम्र है आपकी। देखिए बैंडेज तो आपको करवानी है, रोज़ाना बैंडेज तो करवानी है। और देखिए हल्दी आपके किचन में है, और ये हल्दी 2 चुटकी लें, ठीक है। और ये सोडा खाने का आपके किचन में है, वो 1 चुटकी में जितना आए, ये दिन में 1 बार दूध से खा लिया करें। और बाकी सारा इलाज आप अपने डॉक्टर का करें। बैंडेज वक्त पे होनी चाहिए, रोज़ होनी चाहिए, और अगर 2 बार भी करनी पड़े इसको तो कर सकते हैं। और ये 1 बार रोज़ाना खाया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है जी।